नमस्कार दोस्तों, अभी आपको पता है कि वोटिंग चल रही है। वोटिंग किसी प्रकार की चल रही हो, कैसी भी चल रही हो, तो आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि वोट किसे दें। ऐसे कौन सा आदमी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको हमें वोट जो है वो देना चाहिए। वोट के लिए हम किस आदमी का चुनाव करें कि वो आदमी हमारे लिए सबसे बेहतर है जिसको हम वोट दे रहे हैं। क्या हम किसी को वोट दे रहे हैं, क्या वो वोट लेने लायक है। जिसको हमने वोट दे दिया है, क्या वो वोट लेकर हमारे लिए कुछ करेगा, क्या हमारे समाज के लिए कुछ करेगा, क्या हमारे पूरे पूरे गांव के लिए कुछ करेगा, क्या वो हमसे वोट लेकर हमारे लिए जो स्पेशल कुछ है वो कर पाएगा, हमारे गांव के लिए कुछ कर पाएगा, हमें जो बेहतर प्रकार की जो सुख सुविधाएँ हैं, हमें जो हमारे गाँव में जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो अभी तक नहीं मिल पाई, क्या वो हमें मिल पाएंगी। जिसको हमने चुना है, क्या हमने उसको चुन लिया, चुनने के बाद में हमें कोई पछतावा हो रहा है। यदि हाँ पछतावा हो रहा है तो आप गलत हैं। दोस्तों, सही इंसान को चुनिए, सही से चुनिए और अच्छे से चुनिए। दो मिनट रुक जाइए वोट देने से पहले, दो मिनट सोचिए कि आप जिसको चुन रहे हो क्या वो रियल में सही है। जो बंदा आपके लिए खर्चा कर रहा है इस समय, जो आपके लिए खर्चा कर रहा है, जो आप पर बहुत सारे खर्चे लुटा रहा है, उसको कभी भी वोट नहीं दें। दूसरी बात, जो बंदा आपसे पैसे मांग रहा है कि मुझे वोटिंग की ज़रूरत है, फ़िलहाल मैं वोटिंग कर रहा हूँ, मैं वोटिंग में जुड़ा हुआ हूँ, और आप मुझे कुछ खर्चा देने की कृपा करें ताकि मैं खड़ा हो जाऊँ, वो बंदा आपके लिए कन्फर्म है, कुछ ना कुछ करने की जो क्षमता है वो रखता है। यदि आप लोगों ने उसे खड़ा किया है, दूसरी बात क्या है, यदि आप लोगों ने उसे खड़ा किया, आप लोगों ने उसके लिए कहा है कि ये बंदा जो है वो कुछ हमारे लिए कर सकता है, वो मना कर रहा है कि मैं इसमें नहीं खड़ा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि वो गांव में स्पेशल है, उसने कुछ किया है अपने गांव के लिए, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो कन्फर्म है वो बंदा आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। लेकिन जो बंदा आपके पास बार बार आपके पास आ रहा है, आपको ये कह रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे, वैसी सुख सुविधाएं देंगे, उसे वोट कभी ना दें। ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि उस बंदे को मैं कभी ना कभी वोट दूंगा। यदि मुझे मेरे माइंड में कोई ख्याल है कि ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, मेरे समाज के लिए कुछ कर सकता है, हमारे गांव के लिए कुछ कर सकता है, हमारे पूरे पूरे समुदाय के लिए कुछ कर सकता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो बंदा जो है वो आगे आए। क्योंकि जो बंदा इस कुर्सी पर बैठकर कुछ कमाना चाहता है तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस बंदे ने सोच लिया कि मुझे कमाना नहीं है, मुझे सिर्फ जितना कुछ आएगा उसी के लिए मुझे कुछ करना है, उसी से मुझे कुछ करना है गांव के लिए, तो कन्फर्म है वो बंदा आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाएगा, आपके गाँव के लिए कुछ करके जाएगा, आपके लिए पूरे पूरे जो आपका राज्य है उसके लिए कुछ करके जाएगा, या आपका देश है उसमें कुछ ना कुछ भागीदारी बनाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि वोट दें, सोच समझ कर दें। वोटिंग आपका अधिकार है, लेकिन आपके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा है कि आप उसी बंदे को जाकर वोट दें। आपका दिल कहना चाहिए, आपका मन मानना चाहिए। आप ये सुख सुविधाएं न देखें कि आज वो बंदा आपके लिए खर्चा कर रहा है, ये है वो है, आपके लिए स्टॉल लगा रखी है, आपको घर पर, आप जब उनके घर में जाते हैं तो चाय पानी के नाश्ते जो है वो आपके पास होते हैं, आपको ड्रिंकिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ये जो है वो दो या चार दिन का काम है, जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उसके जस्ट बाद में देख लेना, सारे जो बूथ बना रखे हैं, जो आपको पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे, वो उसी तक सीमित है। तो क्या आप एक दो दिन की सुख सुविधा के लिए पूरी की पूरे 5 साल ख़राब कर सकते हैं? नहीं। यदि आपको 5 साल अच्छे से बचाने हैं तो 2-4 दिन की सुख सुविधा किसी से न लें। हाँ, जो बंदा रियल में अच्छा है, जो बंदा ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आप लोगों का दायित्व है कि आप लगाइए, आप उस बंदे को खड़ा कीजिए, निर्विरोध उस बंदे को जिताने की कोशिश कीजिए, तो बंदा कन्फर्म है आपके लिए कुछ करेगा। नहीं तो साल इतने भी ख़राब हो रहे हैं, ये मानो कि आपने किसी को खड़ा किया और वो बंदा कुछ नहीं कर पाया, तो ये मानो कि आपका खुद का दुर्भाग्य हो गया, वो आपके लिए बैड लक हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप एक बार कोशिश करके देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटी सी कहावत है, फूलों बिना बाहर नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं हूं नवीन सोनी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।